उत्तर प्रदेश के जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटिक एवं प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ बोर्ड के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी तथा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को जिला अस्पताल के ओपीडी कक्ष का औचक निरीक्षण किया। खामियां पाए जाने पर फटकार लगाई, जिसके संबंध में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जिला अस्पताल में 1500 से 2000 के करीब ओपीडी हैं, जिसमें अलग अलग विभाग के डॉक्टर बैठकर मरीज को देखते हैं। सभी को दवाइयां अस्पताल से निःशुल्क मिल रही है तथा आगे कोशिश रहेगी कि इसको और बेहतर बनाया जाए और हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, जब व्यक्ति उनके यहाँ पर नहीं आया मतलब पानी नहीं आया, बस पानी भी आना बचा रहा है। Thank you.
सही कहा। ओ गार्ड कहाँ है? पीआईसी चला गया है। पीआईसी नहीं नहीं वो रास्ता खाली करा यहाँ रास्ता चलो सब हाँ चलो वार्ड सर आगे है वार्ड तो उस पार्ट आगे है सर पीआईसी वार्ड हो गया सही है। मेरा बेड का हमारा पी आई सी यू है और 8 पेशेंट हैं सर। सिकंदर से बात करा जिन डॉक्टरों का गोरखपुर के लिए तबादला हुआ है वो तो डॉक्टर ही अस्पताल में नहीं आए हैं। आपको इसका संज्ञान करा रहा हूँ, सीएमएस और सीएमओ होंगे, पूछ लीजिएगा व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। डॉक्टर ही नहीं है और भी बच्चों के नहीं है। ये आपका हमने नोट कर लिया और हम इसको देख लेंगे। अभी तक आयुष्मान योजना के अंतर्गत गोरखपुर में 6,811 लोग लाभान्वित हो चुके हैं और लगातार ये 5 लाख रुपया जो आयुष्मान योजना के तहत दिया जाता है इसमें 60% पैसा भारत सरकार का है और 40% पैसा राज्य सरकार का है और इसके अतिरिक्त 69,075 लोगों को निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान योजना के तहत लाभान्वित किया गया।